वेलकम बैक टू अवर चैनल देसी वेंडिंग सोल्स। और सोल्स कहां वेंडर करती है? सोल्स आज भी छत्तम में ही सोल्स रोचेस्टर। यस, तो छत्तम में ही बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टाउन्स बने हुए हैं, तो हम जा रहे हैं रोचेस्टर और रोचेस्टर कैसल देखेंगे वहां पे, और शायद शिरका यानी कि चर्च होगा, ये भी तो दिखाते हैं। और ये हाई स्ट्रीट है, तो हम ये हाई फाई स्ट्रीट से होते हुए जा रहे हैं अभी, और उसकी झलकियाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ। और साक्षी को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि आते जाते लोगों की बातें सुन रही है ये, यू नो, तो आदत है ना सुनने की। बहुत ही पुराना इलाका है, बहुत पुराना पुराना आर्किटेक्चर बना हुआ है, घर वगैरह बिल्कुल सारे 18th सेंचुरी के अभी तक बन रखे हैं, काफ़ी पुराने पुराने। और ये आई थिंक पहले के टाइम का पोर्ट इलाका था पूरा छत्तम, तो यहाँ पे हर जगह पे आपको पोर्ट से रिलेटेड चीज़ दिख रही है। गुन्नू ये क्या है, ये क्या है, अम्ब्रेला, अरे छुप गया गुन्नू। और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं प्रॉपर्टी के रेट, 325,000 pounds में ये घर मिल रहा है, देख सकते हैं ये है ऑलमोस्ट 1,000,000 pounds का। तो ये काफ़ी हैपनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे बहुत सारे बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग टाइप के, और काफ़ी अच्छा फूलों से सजा भी रखा था, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे। तो अगर मैं कहूँ जैसे शिमला में या मसूरी में माल रोड है, उस टाइप से बना हुआ है ये भी पूरा। सामने इस वाले घर में देखो कितनी क्यूट क्यूट सी बालकनीज बनी हुई हैं इसमें, और इसमें ऑलमोस्ट दोनों सेम बने हुए हैं। दोस्तों पहुंच गए हैं रोचेस्टर कैसल के पास, मेरे पीछे तो ये चर्च है, और जो मैं जा रहा हूँ अभी आगे को ये है रोचेस्टर कैसल पीछे मेरे, तो काफ़ी पुराना कैसल है और टूटा फूटा सा दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर चल के, और उसके बाद जाएंगे इस कैथेड्रल के साइड भी, तो कैथेड्रल अगर खुला होगा तो अंदर से दिखाएंगे, अदरवाइज चलते हैं आगे। और कैसल में एंटर करते ही दिखेगी काफ़ी बड़ी खाली स्पेस, और ये जनता पहुँच गई है यहाँ पे, और पीछे लगे हैं बादल एकदम से, कभी भी बरसात हो सकती है। सो गाइस इस कैसल में आप आ सकते हो, कैसल वैसे बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है इसको। और सामने से वहाँ से एंट्री है, आई थिंक ऑलमोस्ट 7 pounds or 8 pounds की टिकट है, तो काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटी सी एक बिल्डिंग बची हुई है, बाकी तो चारों तरफ की वॉल है टूटी फूटी सी। और ये है 12th सेंचुरी का बना हुआ कैसल, जो कि बना था बिल्कुल ही ये पत्थरों से, तो आप देख सकते हैं इसकी जो बनावट है मोस्टली ये बड़े बड़े से पत्थर को यूज़ करके बनाया गया है। और ये है रोचेस्टर टाउन, और तो इसका नाम भी रोचेस्टर कैसल है, और ये बना हुआ है यहाँ पे ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में ये आई थिंक, और इसके जस्ट नेक्स्ट में है ये रिवर जिसका नाम है मेडवे रिवर, तो ये पूरा मेडवे काउंसिल है, मेडवेट काउंटी आई गेस, उसमें काफ़ी सारे टाउन हैं। वॉल के साइड से यहाँ पे बने हुए काफ़ी सारे फ्लावर्स प्यारे प्यारे से, ये यहाँ से स्टेयर से नीचे जाने के लिए, और नीचे रिवर बहाव काफ़ी ज़्यादा है। और सामने देखिए बादल किस तरह से लगे हैं एकदम काले, और वो देखिए वहाँ दूर तो बारिश भी हो रही है, दिख रहा है शायद यहाँ पे ये, और ये यहाँ पे हो रही है बारिश ज़बरदस्त, तो आई थिंक ये थोड़ी देर में इधर को आने वाले हैं काले बादल और बरसाने वाले हैं। ये देख लो असलियत में ऐसे होता है, तो बिहाइंड द सीन दिखा रहा हूँ आपको मैं, फोटोज में अलग दिखेगा, और ये है बिहाइंड द सीन, और देखिए फोटोग्राफी के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ चढ़ना पड़ता है। और ये नीचे एक सुंदर सा पार्क, छोटा सा पानी किनारे बना रहा है कैसल के, बैठने की काफ़ी सारी जगह, और यहाँ पे देखिए ये है तोप,
तो जो कि हर एक किले की निशानी है। और इस तरफ से भी ये है एक तोप, तो यहाँ से भी सेम ही व्यू आई गेस। दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये देखिए सामने ब्रिज और ये एक द्वार है गेस। तो और ये देखिए पहले ही इस तरह से होता था ये पुल जो सामने मैंने अभी आपको दिखाया है। तो रिवर क्रॉसिंग इस तरह से करते थे पहले टाइम पे, और इस चर्च पे आने के लिए, नॉट चर्च, इस कैसल पे आने के लिए, तो टूरिस्ट वगैरह वहाँ से एंटर करते थे इस टाउन में। चलिए अब यहाँ से हम जाएंगे नीचे, और नीचे से गार्डन का एंजॉय करते हुए व्यू दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों नीचे आ गए हैं और मेरे पीछे देख ही सकते हैं आप, ये पानी वाला व्यू सारा ज़बरदस्त आ रहा है। और नीचे से दिखाता हूँ आपको कैसल, पीछे ये बड़ी सी दीवार, और फिर चलते हैं गार्डन में और वहाँ पे देखते हैं कैसे आ रही हैं फोटोज़। और यहाँ पे इसको क्लोज किया गया है क्योंकि ये डेंजरस है आई थिंक, क्योंकि यहाँ से देखिए आधा पानी में है और काफ़ी पुराना है तो टूटा हुआ भी है, तो एंट्री नहीं है यहाँ से नीचे जाने के लिए पानी में। पर पहले टाइम पे ये था, यहाँ पे बोट्स वगैरह आती थी पानी के थ्रू, तो यहाँ से एंटर करते थे सिटी में भी। मैं बाबा सिटी कह रहा हूँ, आई डोंट नो सिटी कहेंगे इसको या टाउन कहेंगे बट। और बादल तो एकदम ज़बरदस्त बन रखे हैं बट बरसे नहीं अभी तक हमारे यहाँ पर, उस साइड दिख रहा थोड़ा बहुत बरसता हुआ। और वॉक करते करते पहुंच गए हम पास में कैथीड्रल के, तो बाहर से नज़दीकी व्यू। आर्किटेक्चर देखो काफ़ी प्यारा है, आई थिंक यूरोप यूके सब जगह इन्होंने वो रखा हुआ है प्रिजर्व करके, तो आर्किटेक्चर तो बहुत ही सही बन रखा है। और कारीगरी भी वैसे अपने इंडिया में भी कम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अगर आप पुरानी हेरिटेज साइट्स पे जाओ तो काफ़ी अच्छा अच्छा आर्किटेक्चर है और जो हमने प्रिजर्व किया हुआ है। और ये देखिए इन्फॉर्मेशन, ये 604 AD का बना हुआ चर्च है जो कि किंग ऑफ कैंट ने बनवाया था। तो ये है सराउंडिंग नेबरहुड और ये बॉले हिल कहते हैं इसको, बॉले हिल का बोर्ड देखा था मैंने। तो यहाँ पे प्रीसू की मम्मी थक गई है, बैठ गई वहीं पे धरना दे के, कह रही अब आगे नहीं जाऊंगी मैं। और ये उस टाइम की आई थिंक ग्रेवयार्ड्स बनी हुई है जस्ट कैथेड्रल के बगल में, तो कह सकते हैं ये कब्रिस्तान है यहाँ का छोटा सा। और फिर सामने आ गया, फिर से हम जा रहे हैं हाई स्ट्रीट की तरफ और वहाँ से वॉक करके निकलेंगे। और ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग दिख रही है यहाँ से। दोस्तों बारिश हो गई है तो बीच में लेना पड़ा हमें यहाँ पे एक स्टॉप, तो मिल गई हमें जगह जहाँ पे थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं। ओ दोस्तों बारिश हो गई, बारिश ने थोड़ा काम खराब कर दिया, फाइनली वो बादल बरस गए जो दूर से काले काले दिख रहे थे। हाँ तो अब आ गए हैं हम वापस घर के लिए। वैसे हमारा बीच में बाहर इंडियन खाना खाने का प्लान था बट गुन्नू ने सारा काम खराब कर दिया है क्योंकि गुन्नू हो गई है एकदम क्रैंकी। तो लेट्स गो होम नाउ और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं कल शायद हो सके सेंट्रल लंदन जाएंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय।